फ्रेंड एक और घर का नक्शा हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे उन्हीं की डिमांड पर हमने इस घर को डिज़ाइन किया है बेहतरीन सा यह हमारा हाउस प्लान होने वाला ईस्ट फेस का यह हाउस प्लान है फ्रंट से हमको ईस्ट फेस मिलता है साउथ फ़ेस नॉर्थ और बैक साइड की तरफ हमारा वेस्ट फेस है और इस इस प्लान के जो हमारा साइज़ है यानी जो एरिया हमको मिलता है वो है पच्चीस फिट बाई तीस फिट का यह हमारा टू बी का बेहतरीन सा हाउस प्लान है ओनली 750 स्क्वायर फीट में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस प्लान का जो टोटल एरिया है 750 स्क्वायर फीट है और यहां पर हमने कॉलम भी अपना बना दिया है कि हमारे इसमें कितना कॉलम कहां कहां पे आएगा कॉलम की साइज़ क्या होगी और इसकी लागत क्या होगी सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर पीछे दो बेडरूम देखने को मिलता है फ्रंट में ही हमारा किचन है और फ्रंट में मेन इंट्री से आपको सिटिंग हॉल मिलता है यहाँ पर आपका आंगन का एरिया यानी लो लौ, लॉबी एरिया बोल सकते हैं इसको और इधर आपकी स्टेयर है यहाँ पर हमारा अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है तो किस तरीके से हमने बेहतरीन सा ये हाउस प्लान डिज़ाइन किया है ईस्ट फेसिंग का चलिए दोस्तों बिना टाइम वीस्ट की जान लेते हैं हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बस तीन से चार मिनट लेंगे और हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किस तरीके से हमने टू बी का बेहतरीन सा सात स्क्वायर फीट का यह हाउस प्लान हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर की डिमांड पर इस प्लान को हमने बनाया है तो चलते हैं जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम हमारा जो बेडरूम हमको पे मिलता है उसकी साइज़ वगैरह भी हमने सब कुछ मेंशन कर दिया हमारा किचन कहाँ उसकी साइज़ क्या है और हमारा ड्राइंग हॉल जो उसकी साइज़ हमको क्या मिलती है सब कुछ यहाँ पर हमने मैंशन कर दिया है ताकि जब हम आपको इस प्लान के बारे में समझाएँ तो आपको बिल्कु बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके इसलिए यहाँ पर हमने कॉलम भी अपना बना दिया है सब कुछ यहाँ पर बना दिया है तो चलते हैं अब हम आपको इस प्लान के बारे में समझा देते हैं तो सबसे पहले हम ईस्ट फेस से यानी फ्रंट से बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या मेन इंट्री है, तो यहाँ पर हमारी मेन इंट्री का डोर लगेगा इससे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या ड्राइंग हॉल मिलता है यानी सिटिंग के लिए तो इस ड्राइंग हॉल के साइज़ की बात करते हैं तो थर्टीन फिट नाइन इंच बाई नाइन फिट में सफ़ीशियंट स्पेस तो में यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पेस में ड्राइंग हॉल है और यहाँ पर दोस्तों हमने जो विंडो रखी है देख सकते हैं हमने अपने प्लान के चारों साइड विंडो प्रोवाइड की है क्योंकि दोस्तों इस प्लाट के हमारे चारों साइड ओपन स्पेस इस था इसलिए यहाँ पर हमने चारों साइड अपनी विंडो प्रोवाइड की है अगर आपके भी चारों साइड ओपन होगा तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने चारों साइड विंडो दे सकते हैं और अगर आपका ओपन स्पेस नहीं है सिर्फ आपको फ़्रंट से ओपन होगा तो आप जो भी विंडो अपनी देंगे यानी जो भी आपके घर का वेंटिलेशन होगा वो तो या तो आपके फ़्रंट से होगा या तो आपको अपने हॉल में या अपने आंगन में कहीं पर भी ओ यानी ओपन टू स्काई जाल देनी पड़ेगी जो आपके जब छत का कंस्ट्रक्शन होगा यानी जब छत की ढलाई होगी तो वहाँ पर आपको छत में ओ टी एस ओपन टू स्काई जाल देनी पड़ेगी ताकि आपके पूरे घर का अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे तो बट यहाँ पर हमारा, हमने चारों साइड विंडो प्रोवाइड किए क्योंकि ये हमारा चारों साइड से ओपन प्लॉट था तो फिर उसके बाद इस ड्राॅइंग हॉल से हम इधर से देख सकते हैं हमने ओपन वॉल रखी है या आप चाहे तो यहाँ पर डोर भी दे सकते हैं अपना बट यहाँ पर हमने ओपन वॉल रखी है इससे हम आगे बढ़ते हैं पहुँच जाते हैं हम अपने लॉबी वाली जगह पर यानी यहाँ पर हमारा ये लॉबी का एरिया है आगन आप आप इसको आँगन बोल सकते हैं इसकी साइज़ की बात करते हैं तो नाइन फिट सामने वाली साइज़ है बाईस सेवन फ़िट में यहाँ पर आपका लॉबी एरिया है फिर इसी लॉबी एरिया में एक तरफ़ से हमने सीढ़ी भी डिज़ाइन की है देख सकते हैं यहाँ से हम अपनी सीढ़ी पर चढ़ते हैं यानी ये वाली हमको सीढ़ी की पहली फ्लाइट मिलती है तो इससे होते हुए पहुँच जाते हैं हम यहाँ पर अपनी सीढ़ी पर यानी ये हमारी लैंडिंग मिलती है फिर इस लैंडिंग से हमको ये सीढ़ी की दूसरी फ्लाइट मिलती है जिससे होते हुए पहुंच जाते हैं हम अपने छत पर तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कुछ यू शेप में स्टेयर है और अगर हम इसमें राइजर और ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें हमने सात इंच का राइजर और दस इंच के ट्रेड के साथ हमारी यू शेप में सीढ़ी बनेगी उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है यहाँ पर आपका एक ढाई फिट का डोर है इस तो यहाँ पर हमारे जो टॉयलेट एंड बाथरूम है अटैच इसकी जो आपको साइज़ मिलती है फोर फीट बाई सेवन फीट में अटैच ट्वेल्ड रेंडो बाथरूम है और वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो भी मिल जाती है और यहाँ पर दोस्तों हमारा किचन है देख सकते हैं फिर इसी इसी लॉबी एरिया से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डोर मिलता है इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने किचन में तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपको किचन देखने को मिलता है काफ़ी बड़े स्पेस में हमने डिज़ाइन किया क्योंकि हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे उनकी डिमांड थी कि उनको बड़ा सा किचन चाहिए तो यहाँ पर हमने काफ़ी बड़े स्पेस में नौ फीट बाई दस फीट में काफ़ी बड़े स्पेस में किचन डिज़ाइन किया है और यहाँ पर एक आपको फ्रंट में विंडो भी किचन के लिए मिल जाती है ताकि हमारे इस किचन का भी वेंटिलेशन होता रहे उसके बाद फिर दोस्तों इसी लॉबी आंगन से अब पीछे यहाँ पर आपको दो बेडरूम देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले अगर हम इस वाले बेडरूम की बात करते हैं तो 10 फीट बाई 12 फीट में दोस्तों आपको ये वाला बेडरूम मिल जाता है और इसमें आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो भी देखने को मिल जाती है उसके बाद दोस्तों इसी लॉबी एरिया से यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिल जाता है तो इसके साइज़ की बात करते हैं काफ़ी बड़े स्पेस में ये वाला हमारा बेडरूम है थर्टीन फीट नाइन इंच आपको सामने वाली साइज़ मिलती है और ट्वेल्व फीट आपको इसकी लेंथ मिल जाती है और यहाँ पर आपको साउथ फेस की तरफ एक विंडो भी देखने को मिल जाती है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे उन्हीं की डिमांड पर इस तरह से हमने यह प्लान डिज़ाइन किया पच्चीस फीट बाई तीस फीट का बेहतरीन सात सौ स्क्वायर फीट में टू बी का हाउस प्लान है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने सब कुछ अपना कॉलम वगैरह भी मैंशन कर दिया कि हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पर आएगा कॉलम की साइज़ क्या होगी जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है जिससे अगर आपका भी कुछ इस तरीके से हाउस का प्लाट होगा दोस्तों तो आप भी अपना इस तरीके से बेहतरीन सा घर घर का नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसमें हमारे जो टोटल कॉलम है काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो दोस्तों इसमें हमारा जो टोटल कॉलम है ये हमारा टोल्व कॉलम है और सारा कॉलम यहाँ पर हमको नाइन इंच बाई नाइन इंच का देखने को मिल जाता है और अगर हम इस ग्राउंड फ्लोर के लागत की बात करते हैं कॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका सात तो सौ पचास स्क्वायर फीट का प्लान ट्वेल्व व कॉलम के साथ बेहतरीन सा खूबसूरत सा ग्यारह से बारह लाख में बेहतरीन सा लाजवाब सा बनकर रेडी हो जाएगा तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और दोस्तों अगर आप भी अपना कोई भी प्लान हमसे बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग